हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों इस समय रुलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे बहुत बड़ी संख्या में यहां पर स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के परीक्षा के मूल्यांकन पर सवाल खड़े किए हैं जी हां दोस्तों पौने दो माह के अंदर सूचना के अधिकार के तहत 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी परीक्षा की जो कॉपियां हैं उन्हें आरटीआई के द्वारा देखने के लिए आवेदन किया आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे नब्बे इसमें से नब्बे फीसदी विद्यार्थियों ने कॉपियां देखने की अनुमति मांग है जी हाँ दोस्तों इसके साथ साथ पुनर्मूल्यांकन यानी कि दोबारा से कॉपी चेक करने के लिए अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है जानेंगे हम इस न्यूज को विस्तार से आप इस वीडियो को बिना स्किप किए भी ना वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है चैनल को सब्सक्राइब करके को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको समय पर मिलती रहे आप ये स्क्रीन पर देख सकते होंगे बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने रुलखंड विश्वविद्यालय के उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि आपकी जो एग्ज़ाम कॉपी होती हैं उनके मूल्यांकन पर सवाल उठाए हैं अक्टूबर से अब तक करीब 300 विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय से सूचना के अधिकार के तहत यानी कि आर के तहत कई सारी जानकारियाँ मांगी हैं जिनमें से नब्बे फीसदी छात्र छात्राओं ने अपनी कॉपीज़ को मूल्यांकन पर असंतोष जाहिर करते हुए कॉपियों को देखने की अनुमति मांगी है जब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी कॉपी में उन्हें मार्क्स बहुत कम दिए गए हैं ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो आर के तहत अपनी कॉपी को दोबारा से देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं विश्वविद्यालय के गोपनीय अनुभाग में इन छात्रों के समूह बनाकर कॉपियां देखने के लिए बुलाया भी जा रहा है इसके साथ ही यहां पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर सूचना के अधिकार के तहत अक्टूबर से अब तक करीब 300 सौ छात्र चात छात्राओं के आवेदन आए इसमें ज़्यादातर आवेदन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को देखने के प्राप्त हुए ये कहना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार रुलखंड विश्वविद्यालय सुनीता यादव जी का है और इसके साथ ही बात करें पुनर्मूल्यांकन के बारे में तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया फिलहाल अभी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन रुलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से दो हज़ार रुपये पुनर्मूल्यांकन के लिए आपसे लिए जाते हैं जी दोस्तों अगर किसी छात्र छात्रा को अपनी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को चैलेंज करना होता है तो उसे इसके लिए विश्वविद्यालय इस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही दो हज़ार रुपये का शुल्क जमा करना होता है लेकिन अभी इस बार अभी तक पुनर्मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं हुई है अगर पुनर्मूल्यांकन में मिले अंक से पंद्रह फीसदी ज्यादा नंबर आते हैं तो पाँच सौ रुपये काट कर बाकी की फीस विद्यार्थी को वापस कर दी जाती है जबकि ऐसा ना होने पर विश्वविद्यालय ये पूरी फीस जब्त कर लेता है विश्वविद्यालय ने चैलेंज मूल्यांकन के लिए अब तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की सो so फ्रेंड्स ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इसी तरह से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो